हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोडिफाई व्लॉग्स। मैं हूं मितन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन क्लीनिंग एंड चेन लूबिंग के बारे में। तो अभी मेरे जो बाइक का कंडीशन है वो पूरी तरह से क्लीन है, बट चेन क्लीनिंग एंड चेन लूबिंग का टाइम आ चुका है। तो यहां पे मैं आज यूज़ करने वाला हूं यूई का ये चेन क्लीनर एंड इसी कंपनी का है चेन ल्यूब। तो ये देख सकते हो चेन ल्यूब फ्रॉम द सेम कंपनी यूई। तो इसको आज ट्राई करेंगे, देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है, कितने प्राइस का है, कहाँ से ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मेरे चेन की कंडीशन। अभी ये देखने में तो क्लीन दिख रहा है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है, इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह नहीं, क्योंकि मैंने पूरी बाइक को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, वॉश किया हुआ था शैम्पू से। तो यहाँ पे आपको देखने में तो ऐसा कुछ गंदा नहीं लगेगा, बट अगर मैं इसको टच करके बताऊँ तो इसके अंदर ये ब्लैक ग्रीसी आपको दिख रहा है, ये चीज़ है कार्बन एंड डस्ट एंड इसमें डॉग के हेयर वगैरह भी हैं। तो ये सारी गंदगी है जो इसके ऊपर लगी हुई है, तो इसको पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी डायरेक्टली ल्यूब ना करें, मतलब जब भी इसका इंटरवल हो 500 से 800 किलोमीटर के बीच में इंटरवल रहता है नॉर्मली, बट रेनी सीजन के टाइम आपको ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, मतलब 400 से 500 किलोमीटर के बीच में आपको करना पड़ेगा। तो अभी ये हो चुका है इसका ड्यू, तो मैं करने वाला हूँ इसको चेन क्लीनर पहले यूज़ करके इसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे एंड इसके बाद ही ल्यूब करेंगे। तो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं एंड इसके बाद ल्यूब करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो वी आर रेडी टू अप्लाई द चेन क्लीनर। तो ये ले लेते हैं चेन क्लीनर, हमारा यूई का इलाइट चेन क्लीनर। एंड इस बॉटल के साथ आपको ये स्प्रे नोजल मिलता है, तो बस आपको ये एप्लीकेटर यहाँ पे लगा देना है एंड इसको स्प्रे कर देंगे पहले डायरेक्टली, और साथ ही साथ व्हील को घुमाते रहना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कई लोग बाइक को ऑन करके फर्स्ट गियर पे लगा के करते हैं चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब। ये काम आपको नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की रहता है एंड आपके फिंगर इसमें बीच में आने के डर होते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली इसको करो और गाड़ी बंद करके करो, आराम से करो, तसल्ली से। तो ये हो गया एक राउंड इसका स्प्रे, थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। अभी तक कहीं पे भी कुछ भी ड्रिपिंग नहीं हुआ है फ्लोर पे। मैंने यहाँ पे नीचे कार्डबोर्ड लगा रखा है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा फ्लोर गंदा ना हो, इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप इंडोर कहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा और लगाते हैं इसको। तो ये हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर पे ये गिर रहा है, मतलब काम कर रहा है अच्छे से। जो भी गंदगी थी यहाँ पे, रेसिड्यू रहता है एंड जो भी कंटामिनेंट्स रहते हैं वो इसको लूज़ कर रहा है। तो अब इसको आप चाहो तो इस तरह का टूथब्रश यूज़ कर सकते हो, आप अगर आपके पास पुराना कोई टूथब्रश है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास ऐसा ब्रश है क्लीनिंग चेन ब्रश तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा स्लो है एंड ये आपको फास्ट रिजल्ट देगा, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें तीन साइड ये दिए हुए हैं ब्रिसल्स, तो इसके वजह से काफ़ी ईजिली आप इसको बस फंसा के और व्हील को रोटेट करना होता है, तो काफ़ी ईजिली काम हो जाता है यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे गंदगी तो ये आ रही है पूरी, देख सकते हो पूरी गंदगी इसके ऊपर आ रही है। तो ये चीज़ मैं क्लीन कर देता हूँ दोबारा से। और अभी एक बार और इसको स्प्रे करते हैं प्रॉपरली, इसको देखते हैं कितना टाइम में ये हो जाता है क्लीन। ये मेरा थर्ड एप्लीकेशन है, सो लेट्स सी कितना और लगेगा टाइम। अभी कह सकते हैं कि 50% क्लीन हो चुका है, बट वो सेटिस्फैक्शन अभी तक मेरे को नहीं मिली है। तो इस तरह से आपको क्लीन करते रहना है इसको जब तक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा टीडियस जॉब है, आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है सेम चीज़। इस तरह से आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी इसको क्लीन कर सकते हो। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है, नॉर्मल क्लॉथ भी कर सकते हो बट ज़्यादा उसके अंदर लिंट नहीं होने चाहिए। तो ये स्प्रॉकेट में अभी क्लीन कर रहा हूँ, और ये काम बहुत ही ध्यान से करना है आपको, ऑपोजिट साइड में करना है ताकि आपके फिंगर इसमें ना आए। ये देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे ये ब्लैक कलर का स्लज निकला है, पूरा ग्रीसी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ग्रीसी है ये चीज़। चेन देखने में क्लीन लग रही थी बट
कितनी सारी चीजें इसमें से देख सकते हो निकल रही हैं। तो गाइस नॉर्मली जब भी हम चेन क्लीनिंग करते हैं तो ज्यादा हम फोकस करते हैं रियर स्प्रॉकेट पे एंड चेन पे, बट एक चीज जो आपको ध्यान देना होता है कि आपके इंजन किस इंजन से कनेक्टेड होता है फ्रंट स्प्रॉकेट, एंड वहां पे बहुत ज्यादा स्लज डिपॉजिट होता है बिकॉज चेन जब घूमती है पूरा जो स्लज होता है वो अंदर फंस जाता है और वो चीज़ यहाँ पे रहती है। अभी मैंने लास्ट टाइम वो चीज़ क्लीन किया था, बट अभी देखो मैं क्लीन कर रहा हूँ तो यहाँ से भी कितना सारा स्लज निकलेगा। ये देखो यहाँ से गिर रहा है ये, और ये पूरा डिपॉजिट रहता है इसमें। ये देख सकते हो कैसे गंदगी निकल रही है यहाँ से। तो फ्रंट स्प्रॉकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रेयर स्प्रॉकेट और चेन है। तो चलो अब मैं जल्दी से इसको पूरा क्लीन करके फिनिश करता हूँ एंड इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके रिजल्ट। तो वैसे यहाँ पे चेन प्रॉपर्ली क्लीन हो चुकी है एंड पूरी तरह से अभी ये ड्राई हो गया है, तो अब ल्यूब करेंगे। बट आप देख सकते हो मेरे हाथों का कंडीशन क्या है, तो कितना क्लीन दिखने वाला चेन भी कितना ज़्यादा गंदा हो सकता है आप खुद सोच सकते हो। ये है कंडीशन माइक्रोफाइबर क्लॉथ का और यहाँ पे आप देख ही सकते हो सब कुछ। तो अब बढ़ते हैं चेन ल्यूबिंग की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजअप किस तरह से ये पूरा चेन क्लीन हो चुका है एंड यहाँ पे एक एक लिंक्स स्प्रॉकेट सब कुछ यहाँ पे क्लीन कर दिया मैंने अच्छे से। स्प्रॉकेट भी आप देख सकते हो प्रॉपरली क्लीन हो चुका है एंड आगे भी फ्रंट स्प्रॉकेट भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो वैसे अब हम करने वाले हैं चेन ल्यूब, तो इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। एंड बस आपको सिंपली इसको स्प्रे करना है। तो ये हो चुका है चेन ल्यूब रेडी। पीछे एक कार्डबोर्ड मैंने लगा दिया ताकि जो मेरा डस्ट ब्रेक है वहां पे ना जाइए। तो ल्यूब तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है किस तरह से ल्यूब हो चुका है प्रॉपर्ली और बहुत कम मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है और बहुत अच्छे से ल्यूब हुआ है ये। तो इसका लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है। आपको तीन राउंड करने होते हैं, एक पॉइंट से शुरू कीजिए एंड आप तीन राउंड खींचिए। इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करो इस जॉइंट लिंक से, जो ये वाला वाइट वाला जो लिंक होता है यहाँ से शुरू करो और तीन रोटेशन तक आपको इसको ल्यूब करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है एंड इससे कम भी नहीं करना है। सो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। चेन क्लीन की बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी तरह से डर्ट वगैरह ग्रेम्स वगैरह सब क्लीन कर देता है एंड जो पुराना ल्यूब था वो भी काफ़ी इजीली निकला। बट ये है कि थोड़ा टाइम लगता है और जो इसके रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है एंड ये ऑलमोस्ट अभी हाफ हो चुकी है कैन, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा बिकॉज इतना इफेक्टिव नहीं कहूँगा मैं, इतना फास्ट एक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ इसके साथ है। और वही ल्यूब की बात करूँ तो ल्यूब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा इससे सेटिस्फाइड हूँ और जो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही फास्ट है, तुरंत ही आप अप्लाई करोगे पूरी चेन ल्यूब हो जाती है, एक दो एप्लीकेशन पे ही आपका जो पूरा चेन है ल्यूब हो जाएगा। और जो ओरिंग्स कंपैटिबल है तो आप ओरिंग के साथ साथ जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड चेन्स होते हैं वहाँ पे भी कर सकते हो इसको अप्लाई। एंड ऑल्सो ये वाले जो ल्यूब्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि ल्यूब का काम सिर्फ चेन को ल्यूब करने का नहीं होता, आप इससे क्लच केबल को भी ल्यूब कर सकते हो, मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस कर सकते हो, तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये चीज़। तो ये चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट यस चेन ल्यूब को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो स्पेस रहती है यहाँ पे जो क्लच लीवर का मूवमेंट होता है, तो ये आप देख रहे हो क्लच लीवर यहाँ पे मूवमेंट रहता है, तो यहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हो। ऑल्सो आप इन जगहों पे भी कर सकते हो जहाँ फूड पैक्स वगैरह रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो ये जो कैंस है इनकी प्राइस है 592 जो कि प्रिंट प्राइस है, बट ये आपको अमेजोन पे काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 369 रुपीज़ का है 500 ml की ये कैन एंड इसमें आपको 150 ml का भी मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से जाके इनको परचेज कर सकते हो। एंड बात करें दोनों कॉम्बो अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 630 रुपीज़ का ये कॉम्बो सेट मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस वगैरह हैं एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ मैंने सबको समझाई दिया आपको। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोडिफाइड ब्लॉग्स, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड बाय।